दोस्तों, मेरा नाम है किशोर फ्रॉम व्हाट द टेक, आपका है गुरु। यह हम लोग अब रियलमी C2 का सॉफ्टवेयर अपडेट देखेंगे, A24 का जो हमको सॉफ्टवेयर अपडेट आया दिख रहा है। देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं। यहाँ पे हमको डिटेक्ट हो गया, ये आया है, डाउनलोड कर लेंगे इसको और कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये डाउनलोडिंग होना चालू हो गया, इसको डाउनलोडिंग होने देते हैं। यहाँ पे वैसे भी डाउनलोड के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत स्लो नेटवर्क चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हर कोई वही यूज़ कर रहा है, तो तब तक हम लोग यहाँ के फीचर्स कौन से हैं वो चेक कर लेते। जो अपडेट लॉग में है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो मार्च का दिया है, फेब्रुअरी का स्किप हो गया है, और स्वाइप अप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड दिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और वियो वाईफाई का जो सभी में दे रहे थे अभी इसमें भी आ चुका है, एयरटेल और जियो के लिए आया है, इंडिया के लिए। बस वर्जन डाउनलोड तो हो रहा है, चलो करने दे, होने दे, तब तक हम स्किप कर लेंगे। जी अब हो गया हमारा डाउनलोड, डाउनलोड होने के बाद अब अपडेट करना है, तो ये अपडेट नाउ पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, जैसे अपडेट हो जाएगा, वेरीफाई होगा जो भी पैच है, और उसके बाद ये हो जाएगा बंद। तो रियल मी दिखा रहा है भाई, रियल मी C2 का ही है मोबाइल। रियलमी का मोबाइल अब हो रहा है चालू, तब तक हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम तो लग जाएगा अपडेट होने के लिए बहुत सारा। तो ये वीडियो हमको स्किप करनी पड़ेगी, वो हो गया, अभी स्किप कर लेते हैं। हो गया अपडेट तो हो गया है, सेटिंग में जाके ये देखिए सब ओके हो गया, चालू हो गया। फीचर्स के बारे में देखें तो पहले सिक्योरिटी पैच मार्च का आ गया है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, है ना। तो जैसे हम लोग अबाउट फोन में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्जन भी चेंज हो चुका है A24, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल March 5, 2020 का आ गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। और दूसरा है सेटिंग में स्वाइप अप गेस्चर्स, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि बाकी इसमें था। लोग देखेंगे कन्वीनियंस टूल में देखिए नेविगेशन बटन्स में वर्चुअल बटन्स के ऊपर में दिया है स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, और इसमें मोर ऑप्शन भी है अलग से, इसमें चेक कर लेते पहले नेविगेशन बटन के मोर ऑप्शन में क्या है। तो जी हाँ, यहाँ पे स्वाइप अप गेस्चर है जो कि पहले बाहर था, यहाँ पे मोर में डाल दिया है इन्होंने, लेआउट भी थोड़ा चेंज कर दिया है, और ये मल्टी टच प्रिवेंशन फॉर स्वाइप अप गेस्चर ये ऐड कर दिए उसमें। चलो ठीक है, मोर में से बाहर आते हैं और ये स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड चालू करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि कैसे ये स्वाइप होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे चालू कर दिया और चेक करेंगे तो ये देखो बैक हो गया, इधर से भी बैक हो गया, और अगर इसको होल्ड करके रखते हैं, एक साइड से होल्ड करके रखे तो वो पीछे का जो भी ऐप है वो स्विच कर देगा। और गैलरी थी मेरी तो गैलरी आ गई, और अगर फिर से स्विच करते हैं तो वही सेटिंग में आ गए, तो ये वर्क कर रहा है। और तीसरा जो है जियो वाईफाई का फीचर है जो इंडिया के लिए है बस, तो इंडिया के वर्जन में देखते हैं कहाँ पे आया है। यहाँ पे तो पहले मेरे पास है वोडाफोन, फिर भी चेक करते वाईफाई में। जी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, वाईफाई में भी चेक करके देखते हैं तो वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन है या नहीं। वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ये तो जियो का सिम डालेंगे तब आएगा आई थिंक, तो पहले जियो की सिम डाल देते हैं। इसके लिए हमको ये स्किप करना पड़ेगा, वीडियो बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, अभी हमने डाल दिए है, अब सेटिंग में देखते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे ड्यूअल सिम मोबाइल सेटिंग में, यहाँ पे जियो की सिम लगी है, वहाँ पे देखिए तो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आ चुका है और ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। चलो इसमें देखते हैं वाईफाई प्रेफरेंस, कॉलिंग प्रेफरेंस और सेल्यूलर कॉलिंग प्रेफरेंस दोनों दिए हैं, जैसा देना है आपको रख सकते हैं आप। इसके बाद में हम लोग जैसे बैग जाते हैं, तो ये तो जियो के लिए था, पर वोडाफोन के लिए भी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि वोडाफोन के लिए दिया नहीं था, एयरटेल के लिए है पर वो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो ये हो गए तीनों फीचर्स जो इन्होंने दिए थे, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।